हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्रेलिक कलर का एक ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। और इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि किस तरह से एक्रेलिक कलर से आप एक टेक्सचर्ड बैकग्राउंड के साथ एक अच्छे से पेंटिंग बना सकते हैं और एक बिल्कुल कैनवस जैसा इफ़ेक्ट आप एक पेपर पे ला सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्दी से मटेरियल्स नोट कर लीजिए। इसके लिए हम वाटर कलर शीट यूज़ करेंगे। वाटर कलर शीट आप कोशिश कीजिए कि 300 GSM का यूज़ करें। यह थोड़ा थिक शीट होता है, इस पर आपकी पेंटिंग का इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। अब हम अपने शीट की मास्किंग कर लेते हैं। तो ये पेपर टैप से आप मास्किंग कर लीजिए, इसे आप बाद में इजीली रिमूव कर सकते हैं। इससे आपका जो बॉर्डर है, जो एज है, वो सेफ रहेगा, उस पर कलर नहीं जाएगा और बाद में आपकी पेंटिंग देखने में अच्छी लगेगी। तो अब मैं ड्राॅइंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ड्राॅइंग करनी है और एक फ्रंट फेस बना रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर फ्रंट फेस किस तरह से बनाया जाता है ये सीखना है तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं उसका एक अलग से ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ आप जब भी ड्राइंग करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि फ्रंट फेस है तो आंखें बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए, दोनों आंखें समान होनी चाहिए और आंखों पर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और उसके बाद जो पिक्चर है आपका वो सेंटर में होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ द पेज में होना चाहिए, राइट या लेफ्ट शिफ्ट हुआ हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप ड्राइंग कर लेते हैं उसके बाद ब्लैक कलर से हम सबकी आउटलाइनिंग करेंगे। तो ये आउटलाइनिंग हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अभी इसमें बैकग्राउंड बनाने वाले हैं, इसके ऊपर कलरिंग करने वाले हैं, तो जो पेंसिल की जो ड्राइंग है वो फेड हो सकती है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ ड्रॉ किया था और फिर मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आप एक बार अगर कलर से आउटलाइन कर देते हैं तो ये आपको दिखता रहेगा लास्ट तक कि किधर आपने क्या ड्राइंग की थी, ये फेड नहीं हो सकता। इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट जो भी डालना हो, मैं डायरेक्टली कलर से ही कर रही हूँ। जैसे इसमें मैंने बाद में त्रिशूल बनाया और ये सब चीज़ें जो भी मैंने कोशिश की है कि शिवजी और अर्धनारीश्वर का जो एक प्रॉपर शिवजी के जितने भी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर सकूँ। तो अब कलरिंग शुरू कर दी है मैंने फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं पहले बिल्कुल रफ़ कलरिंग कर रही हूँ। ये मैं बैकग्राउंड में एक कलर दे रही हूँ क्योंकि मुझे हाफ पोर्शन ब्लू करना है और हाफ पोर्शन येलो और ऑरेंज के बैकग्राउंड में करना है। इसीलिए आप बिल्कुल ये चीज़ आप बिल्कुल रफ़ हाथ से कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको बैकग्राउंड देना है वहाँ आपने ब्लू एक बेस बना दिया। अब इसके ऊपर सबसे छोटे वाले पैलेट नाइफ से आपको कलर उठाना है और स्प्रेड करते जाना है। तो ये पैलेट नाइफ से अगर आप एक बैकग्राउंड बनाते हैं उसका एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आता है। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि पैलेट नाइफ यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने पैलेट नाइफ में किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं बस ऐसे ही रैंडमली कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कलर उठा रही हूँ और उसे डैबिंग करते जा रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि मुझे एक स्मूथ बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने पैलेट नाइफ से उठा करके इसे, आपके पास अगर पैलेट नाइफ नहीं हो तो आप नॉर्मल किचन नाइफ से भी उसके उसका जो पॉइंट होता है उस साइड से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, जैसे बैकग्राउंड में मैंने ब्लू के शेड्स डाले हैं तो आप ब्लू के जितने भी शेड्स आपके पास हैं वाइट निकाल लीजिए, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये जो भी कलर्स होते हैं ये सब आप निकाल लीजिए। येलो और ग्रीन का शेड अगर आपको उसमें मिक्स करना है तो वो शेड भी आप निकाल लीजिए अपने प्लेट पर और इसे अपने नाइफ पे रैंडमली उठाइए। एक ही साथ दो तीन कलर भी उठा सकते हैं आप और उसे डैप करते जाइए। सेम वे दूसरे साइड मैंने रेड का और रेड और ऑरेंज और येलो का इफ़ेक्ट डाला है। तो इसके लिए आपके पास जितने भी येलो के शेड्स हैं, रेड के शेड्स हैं, ऑरेंज के शेड्स हैं, ये सारे आपको प्लेट पर निकाल लेने हैं थोड़े थोड़े
और अपने नाइफ पर उसे एक ही साथ, ऐसा नहीं कि एक बार रेड ले रहे हो एक बार येलो ले रहे हो, एक ही साथ आप दो तीन तरह के कलर अपने नाइफ पे उठाइए और उसे डैबिंग करते जाइए। इससे जो मिक्सिंग है ना, वो मिक्सिंग वाला इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा दिख के आएगा और आप देख पा रहे होंगे कि ये इफ़ेक्ट किस तरह से आया है। और अब बाल के लिए कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं उसमें पहले एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, इसीलिए जैसे हेयर को भी मैंने एक बैकग्राउंड दिया, ये सारे जो भी मैं फ्लावर बना रही हूँ इसे भी मैं एक बैकग्राउंड ये कर रही हूँ। फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग टच हम बाद में देंगे, जो फाइनल टच हमारा होता है। बैकग्राउंड हम इसलिए बनाते हैं फ्रेंड्स कि जो कलर है ना वो एक बार में इतना प्रोमिनेंट दिख के नहीं आता है, इसीलिए हम एक बार बैकग्राउंड बनाते हैं, उसे ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम कलरिंग करते हैं। जैसे फेस में भी मैंने कलर करके छोड़ दिया, अब ये ड्राई हो चुका है, अब इसके ऊपर मैं फिनिशिंग टच दे रही हूँ। फिनिशिंग टच में आपको जितनी शेडिंग करनी है आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड में शेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फेस में मैंने वाइट यूज़ किया है, पर्शियन ब्लू यूज़ किया है और लाइट ब्लू यूज़ किया है। ये तीनों कलर के को मैं रैंडमली यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी हम फ्रंट फेस बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें शेडिंग हमें करनी होती है, क्योंकि आप शेडिंग से ही दिखा सकते हैं कि जैसे नाक होती है थोड़ी ऊंची होती है, आँख थोड़ी अंदर की तरफ होती है, ये सारी चीज़ें हम शेडिंग से दिखा सकते हैं। जैसे गाल है ये थोड़ी उभरी हुई सी होती है, तो जहाँ पर उभार है वहाँ हम लाइट कलर का यूज़ करेंगे और जहाँ पर अंदर डेप्थ है वहाँ हम डार्क कलर का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह कलरिंग का को आपको मिक्स करते जाना है। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये 5 नंबर का ब्रश है और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं, बिल्कुल नायलॉन ब्रश से आप करेंगे तो मे बी आपका ब्रश स्टक होने लगेगा, आपको ब्रश को मूव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ हार्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और ये आपको यहाँ भी एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं डैपिंग ज़्यादा कर रही हूँ, मैं ब्रश के स्ट्रोक्स कम दे रही हूँ, मैं डैपिंग कर रही हूँ। और अगर आप स्ट्रोक्स के साथ काम करते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो जो स्ट्रोक्स हैं वो जैसे गाल पर है वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, आप नीचे चिन से ऊपर ऊपर की ओर या वर्टिकल मोशन में होना चाहिए, जो चिन से साइड का पोर्शन है आपका, जो फोरहेड है वो हॉरिजॉन्टल मोशन में होना चाहिए। तो वो आपको जो मूवमेंट है, जो आपके ब्रश का डायरेक्शन है, वो आपको जब आप स्ट्रोक्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको वो ध्यान देना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी एक ट्यूटोरियल उसके लिए भी। लेकिन अभी मैं डैबिंग के साथ काम कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि मैं ब्रश को चला नहीं रही हूँ, मैं डैब कर रही हूँ। तो सेम वे जैसे कि मैंने बैकग्राउंड में किया था, दो तीन तरह के कलर उठा लिए, जो भी सिमिलर कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर शेड्स, तो यहाँ भी मैंने रेड ऑरेंज येलो का शेड यूज़ किया है, कहीं कहीं वाइट भी लगा रही हूँ। तो ब्रश पर एक ही साथ वो सारे कलर्स ले रही हूँ और डैबिंग कर रही हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पर ये गाल का जो गाल थोड़े उभरे हुए से होते हैं तो उसके लिए आप वाइट दिखाइए, फिर साइड का पोर्शन थोड़ा डार्क होता है क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो उस साइड वहाँ हम लोग थोड़ा डार्क कलर का यूज़ करेंगे। सेम वे लाइट डार्क के शेड से आप बना सकते हैं, जैसे चिन पर मैं डार्क यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा लिप्स के नीचे लाइट कलर यूज़ करूँगी। तो इसी तरह आप फेस बना सकते हैं और फेस में बस लाइट एंड डार्क शेडिंग का ही पूरा ये है, आप जितना लाइट एंड डार्क शेडिंग दिखा सकते हैं आपका फेस उतना ही उभर के दिखेगा। अगर आप सेम कलर में फेस बनाते हैं तो वो फेस बहुत फ्लैट दिखेगा, इसीलिए कोशिश कीजिए कि फेस के ऊपर आप शेडिंग कर सकें। और नेक में भी देखिए, मैंने जहाँ पर से फेस ख़त्म हुआ है वहाँ डार्क कलर था, तो मैंने नेक पर थोड़ा लाइट कलर से शुरू किया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि यहाँ से नेक शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आप एक्रेलिक कलर से काम करोगे तो आपको बिल्कुल, अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप ऑयल पेंटिंग जैसा लुक अपने एक्रेलिक पेंटिंग से ला सकते हैं। तो जिस तरह से ऑयल पेंटिंग होती है, ये ऑलमोस्ट
ये जो पेंटिंग में जो लुक आ रहा है, ये इस तरह का लुक ही ऑयल पेंटिंग में भी आता है। ये जो कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सिंपल कैमल का फैब्रिक का जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और अभी तो एक्रेलिक कलर्स में वेराइटीज़ ऑफ कलर्स आ गए हैं, तो इसमें एक हेवी बॉडी एक्रेलिक कलर्स आता है, अगर आप उससे कोई पेंटिंग बनाएंगे, इस तरह की पेंटिंग अगर आप कैनवस पे हेवी बॉडी एक्रेलिक कलर से बनाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट इससे भी बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए आप पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप पेपर पे अगर आप सीख करके उसके बाद इसे कैनवास पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आइडिया है। इसीलिए आप पहले, अगर आप लर्नर हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप पेपर पे ही इसे बनाएं, सीख लर्न करें पहले, और जब आपका हाथ साफ़ हो जाए तो आप एक अच्छे से पेंटिंग बना के अपने घर में लगा सकते हैं। तो अब देखिए मैं बाल बना रही हूँ, बाल भी मैंने पूरा ब्लैक नहीं लिया है, ये दिख रहा है ब्लैक लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन यूज़ किया है। अब ये जो शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकली हैं उन्हें मैं बना रही हूँ, इसके लिए वाइट और ब्लू का यूज़ करेंगे। इसमें वाइट ज़्यादा यूज़ करना है, ब्लू कम यूज़ करना है, ब्लू का टच देना है, और डैबिंग वाले टेक्निक से ही हम इसे भी बनाएंगे। इसमें आप स्ट्रोक्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बस स्ट्रोक्स को आपको वर्टिकली चलाना है। और अब गले में जो रुद्राक्ष की माला है वो बनाई है, तो मैंने कोशिश तो की है कि शिव जी के सारे एलिमेंट्स को इसमें डाल सकूं। वो सारी चीज़ें बनाएंगे, और ज्वेलरी के लिए आप गोल्डन येलो कलर का यूज़ कीजिए। अब फ्लावर्स बना लेंगे, पेटल्स, तो पेटल्स में मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, तो पेटल्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स लगाएं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल स्ट्रोक्स अगर आप लगाएंगे तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए इसमें आप ट्राई करें कि जो चीज़ जिस डायरेक्शन में है उसका स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसके लिए मैंने रेड और ऑरेंज ये दो कलर को यूज़ किया है पेटल्स बनाने के लिए। अब ये जो फ्लावर है इसे बनाने के लिए मैंने गोल्डन येलो और वाइट को यूज़ किया है, तो गोल्डन येलो और वाइट दोनों कलर आपको साथ ही साथ ब्रश पे लेना है और उसके स्ट्रोक्स देने हैं। तो यहाँ भी मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 5 नंबर का ब्रश है, और मैंने ऑलमोस्ट ये पूरी पेंटिंग ही इस ब्रश से बना डाली, क्योंकि इस ब्रश के साथ, आपके पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, तो इस ब्रश के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और इसके ब्रशेस थोड़े हार्ड हैं तो ये एक्रेलिक कलर में मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और त्रिशूल के लिए ब्राउन और वाइट कलर को आप मिक्स करके बना सकते हैं। ज्वेलरीज में थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे ताकि ये और सुंदर लगे। आईज जब भी हम बनाते हैं तो आप जब भी ब्लैक का यूज़ कीजिए, मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्लैक में थोड़ा डार्क ब्राउन मिक्स करके यूज़ करूँ, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग पर तो वो जो एक हार्शनेस लाता है एक तरह का आपकी पेंटिंग में, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने में नहीं पता चलेगा, लेकिन वो जो पेंटिंग में कभी कभी हम देखते हैं और कुछ चुभ जाता है आँखों में, अगर आप डायरेक्ट ब्लैक ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो वो हार्शनेस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप ब्लैक यूज़ करें उसमें आप ब्राउन मिक्स करें या रेड मिक्स करें, कुछ एक ऐसा टोन जो उसको एक लाइटर एक सॉफ्टर इफ़ेक्ट दे। तो पेंटिंग में ये छोटी छोटी बातें जो कि मे भी देखने वाले नोटिस ना करते हों, लेकिन बनाने वालों को वो नोटिस करना पड़ता है कि क्या ऐसा चीज़ डालें जिसे आप अपनी पेंटिंग को बेटर बना सकते हो। लिप्स में भी मैंने देखे एक बेस कलर डाल के रखा था और अब उसके ऊपर शेडिंग कर रही हूँ। इसी तरह आप जब भी काम करें तो आप अगर पहले से बेस कलर डाल के रखते हैं तो आपको शेडिंग करने में इजी होता है, क्योंकि अगर आप शेडिंग कर रहे हो डायरेक्टली तो मे भी नीचे का सरफेस
आपको कवर करने के लिए थोड़ी ज़्यादा शेडिंग, वो डबल मेहनत हो जाती है। इसलिए अगर आप एक बेस बना करके काम करते हैं तो आपकी थोड़ी मेहनत कम होती है और इफ़ेक्ट भी अच्छा आता है। आउटलाइनिंग करनी है आपको बिल्कुल फाइन ब्रश से। यहाँ मैंने 000 नंबर का ब्रश यूज़ किया है और सेम ब्लैक और ब्राउन वाले मिक्सचर से मैं इसका आउटलाइनिंग कर रही हूँ। आउटलाइनिंग करने से मैं, आप ध्यान रखिए कि लाइनिंग बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए, थोड़ी भी मोटी हुई तो आपकी पेंटिंग स्पॉइल हो सकती है। तो बस वो मिनिमम विजिबल होने चाहिए कि आपने कोई लाइनिंग की है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हाय, मेरा नाम श्वेता है और मैं इसी तरह के ट्यूटोरियल्स और वीडियोस और इंडियन आर्ट फॉर्म्स अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो अब ये पेंटिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं ये मास्किंग टेप हम हटा लेंगे और आप देख सकते हो कि ये कम एफर्ट में कितनी अच्छी सी पेंटिंग आपकी बन के रेडी हो गई है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।